तो डर गया भाई साहब, इधर क्या इतना जोर से, क्या चीज कैमरा पे आएगा क्या दिक्कत तुम लोगों को भाई साहब, कैमरा पे नहीं आ रहा, इतना बड़ा कुछ है ये, देख के डर लग रहा है, बड़ा अजीब ही। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा घर दिखाता हूँ जिस घर पे एक साल पहले लोग रहते थे, आज का रेट पे कोई नहीं रहता, और घर का हालत देख के भाई साहब सच बताओ तो थोड़ा सा जाएगा, इतना बुरी तरह हो रखा है ना घर का हालत, कोई रहते नहीं, लोग है लेकिन कोई रहते नहीं कुछ वजह से। मैं आप लोगों को घर दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ, वीडियो जरा सा स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखते रहना, बहुत कुछ जानकारी दूंगा इस घर के बारे में आप लोगों को। मुझे ये देखिए, घर मिट्टी का घर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा घर था। इन लोगों का देखिए कितना सारा सुपारी का पेड़ लगा हुआ है, कटहल का पेड़, सब कुछ है घर पे। ये देखिए कौन सा बांस लगा के रखे है, और एक चीज़ है नारियल का पेड़ वगैरह वगैरह सब कुछ है। अब क्यों नहीं रहते मुझे नहीं पता, इतना अच्छा जगह है, छुड़ के चले गए, पूरा घूम के आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, ये है इन लोगों का मेन डोर जो फिलहाल ताला लगा हुआ है, ये बाहर कुर्सी रखना हुआ है बैठने के लिए। ये है मेन डोर जो ताला लगा हुआ है अभी, और घर में करंट भी है सब कुछ। ये है उन लोगों का बाथरूम, टॉयलेट, इनकी बाथरूम नहीं बोलते टॉयलेट, ये सरकार की तरफ से आता ना है कोई बना के रखे यहाँ पे। ये देखिए, ये साइड में शायद कुछ था इधर बना हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे, वो तोड़ दिए हैं। ये एक दरवाज़ा था, ये देखिए अभी ताला लगा हुआ है, कोई रहते नहीं हालांकि, लेकिन ताला लगा हुआ है ये साइड पे जॉइंट करके शायद कुछ। ये देखिए घर का हालत, पूरा टूटा गया है पूरा घर, इधर शायद गाय भैंस कुछ बांधते थे, कोई नहीं है, पहले शायद बांधते थे। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि एक तबेला है, क्या है मुझे नहीं पता, तबेले की जैसे दिख रहा है। हाँ, मेरा अंदाजा सही निकला, वो गाय भैंस बांधे हो। ये घर का तालाब है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे नहाते हैं ये लोग, और ये सुपारी का पेड़ वगैरह देख सकते हो, सब उन्हीं लोगों का है। ये देखिए इन तालाब में से लोग नीचे जाके नहाते धोते हैं।